जय हिंद साथियों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और आज का ये वीडियो होने वाला है दो टॉपिक पर। काफी लोगों के मन में ये ऑलरेडी से सवाल घूम रहा है, और जिन लोगों ने भी लोन को डिफॉल्ट गलती से कर दिया है, अगर उनके पास पैसे नहीं है, तो दो सवाल जो मुझे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो सवाल रहता है मन में वो ये भी रहता है कि एड्रेस अगर चेंज कर लें तो क्या होगा, और दूसरा सवाल रहता है कि अगर सिम कार्ड को ब्लॉक कर दें या फिर तोड़ दें या कॉल ना उठाए तो क्या होगा। तो ये बहुत ही खास टॉपिक है, ऐसा वीडियो आपको दोबारा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ये एकमात्र वीडियो है जिसमें इन दोनों टॉपिक पे आपको डिटेल में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो पूरी जानकारी लेने के लिए ये वीडियो आप लोग पूरा लास्ट तक देखते रहे। तो अगर आपका भी किसी तरीके का अनसिक्योर लोन है, पर्सनल लोन है, तो इसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एड्रेस चेंज को लेकर। पहले हम लोग बात करते हैं कि किन किन एड्रेस को ट्रेस करती है ये लोन कंपनियां। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका आधार का एड्रेस, ठीक है, जो कि आपके आधार में होगा। दूसरा एड्रेस होता है जो आप जहां अभी रह रहे हैं वहां का, अगर आपने एड्रेस दिया है जहां आप फिलहाल रह रहे, समझिए कि आधार का एड्रेस आपका गांव का है और आप रह रहे कहीं और है, मान लीजिए मुंबई शहर में रह रहे या कहीं और रह रहे हैं जिसको हम लोग, तो वो एड्रेस अगर आपने दिया कोई टेम्पररी जहां पे आप रूम रेंट लेकर रह रहे, तो वो एड्रेस अगर आपने दिया, ये हो गया। और तीसरा होता है ऑफिस का एड्रेस, ठीक है। तो तीन तरीके के एड्रेस लोन कंपनियां मांगती है। इनमें से हो सकता है कि आपने सिर्फ आधार का एड्रेस दिया हो, दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने आधार का एड्रेस और साथ में टेम्पररी एड्रेस जहां आप रेंट पे रह रहे हैं वो दोनों एड्रेस दिया हो, या फिर तीसरा ये हो सकता है बाय चांस कि आपने ऑफिस का कुछ डिटेल्स रखा हो जैसे सैलरी स्लिप वगैरह, तो उनके पास ऑफिस का भी एड्रेस चला जाता है। तो अब बात करते हैं आधार का एड्रेस, टेम्पररी और ऑफिस एड्रेस। तो ये जो आधार का एड्रेस होता है ये हमेशा फिक्स होता है। अब कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि अगर हम लोग आधार के एड्रेस पे नहीं रहते, हमारी फैमिली रह रही है या कोई और रह रहा है, जो लोन लिया है वो उस एड्रेस पे नहीं रह रहा, तो क्या लोन कंपनियां उस एड्रेस पे जा सकती है? जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, अगर आप बैंक या एनबीएफसी से लोन ले चुके हैं, तो अगर ये एरिया काफी ज्यादा विलेज में है, विलेज मतलब गांव में, अगर आपका आधार का एड्रेस काफी ज्यादा गांव में है, शहर से 20-25-30 किलोमीटर दूर है, तो ना के बराबर ही चांसेस है कि आपके घर कोई एजेंट आएगा। हो सकता है 1% चांस में कि कहीं किश्त और ऋण या ऐसे कोई बैंक पहुंच जाए, लेकिन ना के बराबर चांसेस होते हैं कि आधार के एड्रेस पे जो विलेज का है वहां कोई आपके घर पहुंचे। दूसरा आप बात करते हैं सिटी, तो क्या सिटी में आ सकते हैं? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सिटी की, तो सिटी में बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं, तो सिटी में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने आधार का एड्रेस दिया है और सिटी का दिया है, तो वहां पे आने के चांसेस ज्यादा है। अब मान लेते हैं कि इस एड्रेस पे आप नहीं रह रहे, जो आपका आधार का एड्रेस है वो आप वहां पे नहीं रह रहे, तो ऐसे में क्या होगा? देखिए, अगर आप आधार के एड्रेस पे नहीं रहते हैं, जो भी आपने आधार का एड्रेस दिया है उस पे अगर आप नहीं भी रह रहे हैं, तो ये जो कंपनी वाले हैं, लोन कंपनी वाले, वो बस आएंगे और आके आपके बारे में पूछताछ करेंगे। अगर आप नहीं मिलेंगे तो फिर वो कुछ कर नहीं सकते, वो वापस जो है चले जाएंगे, ठीक है। वो क्या होंगे, वापस चले जाएंगे, क्योंकि ये आपकी फैमिली से या आपके घर के किसी भी जो भी व्यक्ति वहां रह रहे हैं उनसे पैसे की वसूली नहीं कर सकते, ना ही उनको इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी वजह से अगर आप आधार के एड्रेस पे फिलहाल नहीं रह रहे तो वहां से वो वापस चले जाएंगे, आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। अब अगर हम लोग दूसरी बात करते हैं कि आधार के एड्रेस पे चलिए आप नहीं रह रहे, आपका जो टेम्पररी एड्रेस है जहां आप रेंट पे रह रहे, अगर उस एड्रेस को आप चेंज करते हैं तो क्या होगा? तो देखिए, अगर आप जो आपका टेम्पररी एड्रेस है उसको चेंज कर देते हैं, तो चेंज करने पे कुछ नहीं होगा, यही होगा कि जो रिकवरी वाले है वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे, आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये होगा कि वो रिकवरी वाले आप तक पहुंच नहीं पाएंगे और आपका पता नहीं लगा पाएंगे कि आप कहाँ पे है नहीं है, तो वो परेशान करने नहीं आएंगे, अगर आप अपना जो टेम्पररी एड्रेस है वो चेंज करते हैं तब।
अब नेक्स्ट और लास्ट बात कर लेते हैं हम लोग ऑफिस के एड्रेस के बारे में। अगर ऑफिस का एड्रेस आपने दिया है या गलती से आपने सैलरी स्लिप वहां पे डाली है तो ऑफिस का उनके पास गया होगा, तो देखिए ऑफिस पे एड्रेस पे आप आना उनका नामुमकिन सा होता है, लेकिन वो ऑफिस में मेल वगैरह करते हैं। जो भी ऑफिस का हेड होगा या जो ऑफिस की मेल आईडी होगी वहां पे वो मेल कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस में आने का उनके पास कोई भी अधिकार या राइट नहीं होता है। मैं फिर से बता देता हूं, ऑफिस में आने का अधिकार या राइट नहीं होता है। ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ आपके बॉस को या आपके मैनेजर को मेल किया जा सकता है, जो भी लोन कंपनी है उनके द्वारा, कि इस नाम का व्यक्ति है और इसने इतना इतना पेमेंट मेरा नहीं दिया है। ये बात कर लिए हम लोग आपको चेंज एड्रेस करने की। अब यहाँ पे मैंने तीनों बातें बता दी। सबसे पहली बात है आधार को लेकर। अगर आप आधार के एड्रेस पे नहीं रह रहे हैं, ना ही आपने जो टेम्पररी एड्रेस दिया है वहां रह रहे हैं, तो कोई भी आपके घर आएगा तो वापस चला जाएगा। अब ऐसे में कुछ नोटिस है जो आपके घर पे भी आते हैं, तो वो नोटिस भी रिसीव नहीं होंगे, लेकिन वो नोटिस साथ साथ में मेल पर भी आते हैं और व्हाट्सएप पे भी आते हैं। और लोन के रिगार्डिंग अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वहां भी आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात कर लिया हम लोगों ने एड्रेस चेंज करने पे। अगर आप अपना एड्रेस चेंज करते हैं तो रिकवरी वाले फिर आपको ट्रेस नहीं कर पाते। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं सिम कार्ड को लेकर, सिम कार्ड को लेकर भी काफी लोगों के मन में काफी ज्यादा सवाल और कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि मान लेते हैं सिम कार्ड को चेंज कर देते हैं या सिम कार्ड बंद कर देते हैं, न्यू सिम ले लेते हैं, जिस सिम को यूज कर रहे हैं उस पे कॉल्स कितने आते हैं, तो कभी 50, कभी 20, कभी 30, कभी 100 ऐसे कॉल आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो कॉल्स ज्यादा आते हैं, लेकिन आप कॉल्स को जितना ब्लॉक रखते हैं कॉल्स की संख्या धीरे धीरे करके कम होती है। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि ये 10 और कभी कभी दिन में 2 या 1 इतने ही कॉल्स पे रुक जाती है 1-2 महीने बाद। लेकिन स्टार्टिंग में काफी लोग मुझे सवाल ये पूछते हैं कि क्या हम सिम को चेंज कर लें, तो देखिए वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे। सबसे पहले फैक्टर ये है कि वो नंबर जो आपने दिया हुआ है कंपनी में वो कितना ज्यादा या बैंक में वो कितना ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपके लिए बहुत ही ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है तो आप उस नंबर को फिर बंद नहीं कर सकते। और दूसरी बात इस चीज पे डिपेंड करता है कि अगर आप उस नंबर को बंद करते हैं तो उसके बाद आपका उनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब आपको लोन क्लोज करना होगा तो इस नंबर की आपको जरूरत पड़ सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सिम कार्ड को बंद भी कर देते हैं तो दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होगी, लेकिन आपका कम से कम ईमेल आईडी जो है वो एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, कम से कम ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए या आपके पास आपकी लोन आईडी होनी चाहिए। अगर आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत समस्या आए लोन क्लोज करने में, तो आपके पास लोन आईडी या ईमेल आईडी इन दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है। अगर होगा तभी आपका लोन क्लोज हो पाएगा। और मान लीजिए ना सिम है, ना ईमेल आईडी है, ना लोन आईडी है, तो फिर दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है, फिर लोन जो है वो क्लोज करने में समस्या आ सकती है। तो बिल्कुल ही सिम कार्ड अगर आप टेम्पररी चेंज करना चाहते हैं तो टेम्पररी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर परमानेंट चेंज करने का इरादा है तो इसके लिए आपको ध्यान इन सभी बातों का देना होगा कि आपको इसके अलावा ईमेल आईडी, लोन आईडी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप परमानेंट सिम कार्ड को चेंज करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनको ये हमेशा मन में सवाल रहता है और वो सोचते रहते हैं कि अगर एड्रेस चेंज करते हैं तो क्या हो सकता है, और अगर हम लोग सिम कार्ड को ब्लॉक करते हैं या सिम कार्ड को ही चेंज कर देते हैं तो ऐसे में लोन कंपनियां क्या कर सकती हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स को मैं क्यों यहां पे आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, क्योंकि इन दोनों फैक्टर्स पे ही ज्यादातर डिपेंड करता है उनका जो भी लोन का जो रिकवरी का प्रोसेस होता है वो या तो कॉल पे होता है या तो एड्रेस पे होता है। अब इन दोनों से आप अगर कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर बैंक या NBFC जो है आपकी कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगी, तो आपका उनसे कनेक्शन कम से कम बना रहेगा। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल सिचुएशन पे। मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि फाइनेंशियल सिचुएशन अगर अभी खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ठीक हो तो आप लोन क्लोज कर सकते हैं। लोन क्लोज करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप अलग अलग तरीके से लोन को क्लोज कर सकते हैं। अगर सिचुएशन पूरी तरीके से ठीक होती है तो फुल पेमेंट करके, अगर नहीं ठीक होती है तो सेटलमेंट करके, तो फ्यूचर में काफी ऑप्शंस आपके लिए ऑलरेडी ही खुले हुए हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डीप में डिस्कशन कर लिया दो टॉपिक के ऊपर में। सबसे पहला टॉपिक रहा आज का एड्रेस चेंज का, दूसरा टॉपिक रहा सिम कार्ड को ब्लॉक करके रखने का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा जल्दी से, और साथ ही में अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा वीडियो मैं बनाऊं आप कमेंट कीजिएगा, जिस टॉपिक के बारे में कमेंट कीजिएगा और सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनेगा। जय हिंद, जय भारत।